हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ त्रिशा। त्रिशा की रसोई में आपका स्वागत है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं यहाँ पे सी फूड। तो ये व्लॉग फुल खाने पीने का होगा और नॉन वेज होगा। तो पहले ही बता रही हूँ मैं, नॉन वेज का खाने पीने का होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हम लोग के वहाँ पे सुपरमार्केट वगैरह होता है, वहाँ पे मैं जाऊँगी। यहाँ पे ऑलमार्ट, इंडोमार्ट वैसा होता है। तो थोड़ा बहुत घर के लिए खाना वाना होगा, वो सब पैक्ड वाले फूड आइटम्स वो लेना है मुझे। तो चलिए, आज लास्ट डे है, अभी इवनिंग का टाइम है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत नूडल लिए है और कुछ कुछ कैंडीज अच्छा लगा था मुझे, तो वो लिए हैं। वो बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो चलिए अब खाने की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग ये छोटा सा स्टॉल टाइप का है, स्ट्रीट फूड, इधर आए हैं, डक ऑर्डर किए हैं। अब देखते हैं, एक ही डिश ऑर्डर की हूँ, देखते हैं कैसा है। वैसे डक तो खाए हैं हम लोग बाहर इंडिया में भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैसे बनाते हैं ये लोग, ये देखना चाहती हूँ, तो इसलिए ऑर्डर की हूँ डक। ये है डक, क्या डिश का नाम क्या है? डक विथ ऑयस्टर सॉस। डक विथ ऑयस्टर सॉस। और साथ में थोड़ा सा राइस देते हैं ये लोग हर एक डिश के साथ, तो ये राइस। चलिए खा के बताते हैं कैसा लग रहा है। काफी सॉफ्ट है, तो
क्रंची है, वहाँ पे डिफरेंट टेस्ट है, मतलब चिकन खा लो, चिकन वालों के जो चिकन खाते हैं उनका वो काफ़ी डिफरेंट है। बहुत ही डिफरेंट है। हम लोग स्पाइसी मांगे थे, उतना स्पाइसी नहीं हुआ है। चलिए खा लेते हैं। हाय गाइस, तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं लॉबस्टर खाने के लिए। फंटा ऑरेंज फ्लेवर का है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इंडिया में नहीं मिलता है ये चीज़, पता नहीं क्यों। तो लॉबस्टर ऑर्डर किए हैं अभी, 300 ग्राम्स ऑर्डर किए हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। अभी हम लोग क्या ऑर्डर किया है, स्क्विड, फ्राइड स्क्विड, फ्राइड स्क्विड ऑर्डर किए हैं, देखते हैं। स्क्विड हम लोगों ने खाया था गोवा में, अच्छा था, देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। तो गाइस हमारा स्क्विड आ गया है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। थोड़ा सा चुई टाइप होता है स्क्विड स्पेशली, तो ट्राई करते हैं अभी। तो गाइस फाइनली हमारा लॉबस्टर आ चुका है, स्पाइसी है। No, no, no. Is it
तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं उस रेस्टोरेंट से, तो इनको स्वीट खानी है। चलो ये ज़्यादा नहीं खा पाए हैं तो इनको स्वीट खानी है, देख रहे हैं क्या खाते हैं ये। क्या ऑर्डर किए हो तुम स्वीट्स में? हाँ अभी हमने ये मर्तबक, एक यहाँ पे एक डिश है यहाँ का जो पॉपुलर डिश है, मतलब हाँ यहाँ पे बहुत पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, हर जगह मिल जाता है, और यहाँ पे इसकी अलग अलग वैरायटीज़ है। अब बच्चे से हमने लास्ट टाइम हमने जो खाया था वो उसका टेस्ट काफ़ी हद तक मुगले पराठे जैसा था, चिकन और एग मिक्स ये है, बट वो नहीं दिखाया था नहीं उसे। हाँ लेकिन अब यहाँ पे जो है वो वहाँ पे ये अब ये इसमें डेजर्ट में भी है ये उसमें मतलब बोलते मर्तबक है, बट ये उसमें अब ये जो उन्होंने फ्लेवर डाला है ये चॉकलेट और ये नट्स का है, काजू नट्स वगैरह का है। तो हमने फिर सोचा हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल डेजर्ट अभी तक खाया नहीं है एज सच, मतलब तो बोला ट्राई कर लेते हैं, ये बड़ा कॉमन है यहाँ पे, हमने देख लिया। डेजर्ट सिर्फ हम लोग होटल्स में खाए हैं, मतलब जो जिस होटल में हम लोग रह रहे हैं उसमें खाए हैं, यहाँ का हमें लोकल जो है लोकल जो कुछ पेस्ट्री वगैरह है वो सब नहीं खाया है, तो ये बड़ा कॉमन है हमने देखा यहाँ पे। तो हमने सोचा आज का तो यहाँ का लास्ट डिनर है बाली का हमारा, तो एक स्पेशल खाना बनता है। तो जब आएगा तब दिखाते हैं आपको। तो आज कुटा का लास्ट, कुटा नहीं बाली का लास्ट डे है ना? हाँ आज बाली का लास्ट डे है, क्या बोलना है तुमको? आई मीन अच्छा था, आई मीन इतना मैं जब आ रहा था तो बड़ा नर्वस सा था क्योंकि अब फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग और हाँ से और कुछ इतना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का बीच में कुछ पंगा वंगा ना हो जाए, थोड़ा सा टेंशन था, बट हम लोग बहुत स्मूथली पहुंच गए आराम से होटल होटल वगैरह जो हमने ट्रैवल ये बुक किया था हमने हमारे टूर ऑपरेटर के साथ, तो बड़ा सही सब कुछ ही हमारा ऑन टाइम, हमारा कुछ डिले वगैरह कुछ नहीं हुआ ठीक है। और बाकी हाँ यही है कि मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे थोड़ा सा और टाइम लेके आए, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये था कि हम लोगों ने आइटनरी के हिसाब से हमें चलना था क्योंकि हमने टूर बुक किया हुआ था, पर हो सकता है फ्यूचर में अगर अब जब एक बार आ गए जब भी आएंगे तो सिर्फ फ्लाइट्स और ये होटल्स वगैरह का बुक करेंगे, बाकी चीज़ें सब यहीं पर ही आके कर सकते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है यहाँ पे कंपैरेटिवली, तो ये चीज़ थोड़ा सा है कि हाँ थोड़ा सा और टाइम अगर मिलता तो और बहुत बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ टाइम इशूज। सो एनी वेज लेट्स सी नेक्स्ट टाइम जब भी बनेगा तो कुछ और अलग यहाँ पे घूमने का और देखने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिर से आना है, नेक्स्ट तो कहीं और जाना है, देखते हैं। इस बार इनका प्लान था बाली आने का, नेक्स्ट टाइम मेरा होगा। तो अभी तक बना नहीं है, वेट कर रहे हैं हम लोग। से बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, पता नहीं कैसे खाएंगे हम लोग। चॉकलेट्स है और नट्स है, अच्छा
साइज बहुत बड़ा है। सो गाइस, अभी हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और ऐसे ही हमारा आज लास्ट नाइट ख़त्म होता है, लास्ट ईव बाली में। तो कल 10 बजे के करीब ड्राइवर आ जाएंगे और एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे हम लोग 11 बजे तक, शायद 10:30 बजे तक, 11 नहीं बजेगा क्योंकि यहाँ से नज़दीक है। और क्या बताएं, दुख तो हो रही है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और अर्णब, तुमको कुछ बोलना है? अच्छा, वो रेस्ट कर रहे हैं अभी। एक्चुअली पैदल चल के आए हैं बहुत दूर से, तो अभी बहुत टायर्ड है, अभी पैकिंग भी बाकी है, तो जल्दी से पैकिंग करके अब सोएंगे। 10:30 हो रहा है अभी टाइम। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल का जो है बाली टू दिल्ली में। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।